हाय, दिस इज रुकुमा हाशमी। हम पढ़ रहे थे क्लास 9, सब्जेक्ट था हमारा मैथ, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था संख्या पद्धति। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 को पूरा सॉल्व किया था। अब हमारी वीडियो नंबर पार्ट 4 में हम क्या करेंगे, एग्जांपल नंबर 3 सीखे 3 पढ़ेंगे। एग्जांपल नंबर हम पढ़ेंगे 3, उदाहरण नंबर 3। देखो, उससे पहले हमें क्या करना है, अपरिमेय संख्याएं जो होती है, जो अपरिमेय संख्या होती है उनकी स्थिति हमको काय पे बताना है, संख्या रेखा पर हमको उनकी स्थिति को बताना है कि अपरिमेय संख्याएं संख्या रेखा पर कहाँ पर स्थित होती है, उनकी स्थिति को हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे, ठीक है। तो पहले तो आपको पता है कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है, जिनको कि हम पी क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिनको कि हम पी क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वो संख्याएं क्या कहती है, हमारी कहलाती है हमारी अपरिमेय संख्याएं। फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट ऑफ 3 या फिर पाई, इसी तरह से बहुत सारी संख्याएं होती है, अपरिमेय संख्याएं भी, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर हमें 3, एग्जाम्पल नंबर हमें 3, बुक के अंदर एग्जाम्पल नंबर हमें 3 में दिया हुआ है कि अंडर रूट ऑफ 2 की, इसको हम 2 का वर्गमूल भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम अंडर रूट ऑफ 2 कहते हैं। तो अंडर रूट ऑफ 2 की हमें संख्या रेखा पर स्थिति पता लगानी है कि संख्या रेखा पर अंडर रूट ऑफ 2 कहाँ पाया जाता है। तो उसके पहले हम क्या पढ़ेंगे, उसके पहले हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि इसी की सहायता से हम अंडर रूट ऑफ 2 की स्थिति संख्या रेखा पर बता पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, इसमें हम 90 डिग्री का एक त्रिभुज लेते हैं, इसमें जो नीचे वाली रेखा है इसको हम बोलते हैं आधार, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं बी बेस, और इसको हम बी से लिखते हैं। इसके बाद जो ये वाली रेखा होती है इसको हम इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं कट, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, और एच से लिखते हैं। इधर वाली रेखा जो होती है इसको हम हिंदी में बोलते हैं लंब, और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और पी से लिखते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जो कर्ण रहता है उसका वर्ग, सॉरी जो कर्ण रहता है वो बराबर होता है अंडर रूट ऑफ लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होते हैं। कर्ण क्या, कर्ण क्या होता है, बराबर होता है अंडर रूट ऑफ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा होता है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो अब पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम अंडर रूट ऑफ 2 की स्थिति संख्या रेखा पर देखेंगे, ये हमें ये याद रखना पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले माना, सबसे पहले हम मान लेंगे कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज मान लिया हमने, इसको हमने नाम दे दिया ओ ए बी, या फिर हम इसको नाम दे देते, चलो ए बी सी नाम देते, कुछ भी नाम दे देते हैं, हम ए बी सी नाम देते हैं, ए बी सी, ठीक है। ये हमारा क्या है, बेस है, ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, आधार लंब, और ये हमारा क्या है कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो हम मानते हैं, माना बी बराबर हमने मान लिया 1, हमको क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 संख्याएं मानना पड़ेगी, बेस ज्यादातर हम एक ही मानते हैं, तो बी बराबर हमने मान लिया 1, और पी बराबर भी हम क्या मानेंगे यहाँ पर 1 मानेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कैसे, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, अब देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमको पता है कि एच इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एच इज इक्वल टू, पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर। अब देखो, एक का स्क्वायर कितना होता है, एक ही होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस इस वाले एक का स्क्वायर भी कितना होता है 1, ठीक है। एक और एक कितना हो जाएगा 2,
तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ टू, यानी कि एच बराबर कितना आ गया हमारे पास अंडर रूट ऑफ टू। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, संख्या रेखा ड्रॉ करेंगे। ये है हमारी संख्या रेखा, ठीक है। इसमें यहाँ सेंटर में होगा जीरो, यहाँ पर माइनस वन बाई टू, वन माइनस वन, माइनस टू, डैश डैश डैश, बहुत सारी संख्या। उधर प्लस की संख्या रहेंगी, वन टू थ्री, वन टू थ्री, डैश डैश डैश, फुल प्लस के इनफिनिटी तक, ठीक है। सबसे पहले हम हमारा बेस ड्रॉ करेंगे। बेस कितना है हमारे पास, एक का है, तो ये एक सेंटीमीटर की लंबाई, जीरो से वन तक की लंबाई ले लेंगे, ये हमारा हो गया बेस, ठीक है। सिमिलरली लंबाई हम यहाँ पर हमारा आ जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि लंब, लंब भी हमारा एक का है, नाप के स्केल से हम ये एक ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से जो करेंगे लाइन सीधी स्केल से, ठीक है। तो जो डिस्टेंस ये, जो दूरी ये है, वही दूरी ये है, ये हो गया बी, ये हो गया पी, ठीक है। अब हम यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एच, ठीक है। ये हो गया बेस, ये हो गया पी दोनों तरफ, और बीच में क्या आ गया, एच। अब हमें क्या की जरूरत पड़ेगी, प्रकार की कंपास की जरूरत पड़ेगी। तो हम हमारा जो कंपास होता है उसका नुकीला सिरा यहाँ रखेंगे और पेंसिल को हम रखेंगे यहाँ पर और उसको घुमाएंगे कुछ इस तरह से, और ये जहाँ पर टच होगा लाइन पर वहीं पर हमारा क्या होगा अंडर रूट ऑफ टू, इसको हम नाम दे देंगे पी। तो इस तरीके से हम किसी अपरिमेय संख्या की संख्या रेखा पर क्या निकालते हैं, स्थिति निकालते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे, बी की वैल्यू हम मानेंगे वन, पी की वैल्यू मानेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, एच की वैल्यू निकालेंगे, संख्या रेखा ड्रॉ करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जीरो से एक सेंटीमीटर की दूरी लेंगे, एक इसकी दूरी लेंगे जीरो से वन, बी सिमिलरली डिस्टेंस पर ऊपर में भी रहेगा, यहाँ पर लंब बना लेंगे, लंब भी हमारा एक था तो एक बना लेंगे। इसके बाद इसको जोड़ के एक स्क्वायर एक वर्ग बना लेंगे, इन दोनों लाइनों को मिलाकर क्या बना देंगे, एच बना देंगे। उसके बाद प्रकार लेंगे, कंपास लेंगे, यहाँ पर रखेंगे नुकीला हिस्सा, यहाँ रखेंगे हम हमारी पेंसिल और इसको घुमा देंगे, संख्या रेखा पर हमें जहाँ मिलेगी वहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, रूट टू। तो ये था हमारी बुक का एग्जाम्पल नंबर तीन। आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।